जय हो, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। कानपुर के वासियों, आज का ये दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है हम सबके लिए, बहुत ही अविस्मरणीय है हम सबके लिए, क्योंकि हम सभी लोग आज द ब्लू ब्लड महाराजा धीराज श्री नलेंद्र प्रताप सिंह के राज्याभिषेक के गवाह बनेंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। की जय होता है घुइया के महाराज, हमें तो अभी भी लग रहा है जैसे ये ड्रामा फैल रहे हैं, असली महारानी तो भाभी जी लग रही है। भाइयों और भाभियों, अब से कुछ ही समय बाद वो ऐतिहासिक पल आएगा जब द ब्लू ब्लड महाराजा धीराज झिंगुरपुर श्री नलेंद्र प्रताप सिंह वर्ल्ड श्री हगेंद्र प्रताप सिंह का राज्याभिषेक होगा। उसके पहले यदि आप लोग महाराज से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, कहा है कि हम एक ठो सवाल महाराज नल्ले से पूछना चाहते हैं। बहुत सही। बाबूजी, वो नल्ले नहीं, नलेंद्र प्रताप सिंह है। सही पकड़े हैं। Stop it. अब तो तुम राजा हो गए हो, कम से कम अब तो अपनी इंग्लिश क्लास बंद कर दो। गलत नाम ले रही है मेरा वो यार। Just act your status, okay? महाराज, मेरा आपसे एक सवाल था, आप राजा बनने के बाद सबसे पहला अच्छा काम कौन सा करेंगे? ए जो तुम जैसे लोग गंदे धंधे खोल के बैठे हैं, जुए के अड्डे, ये लॉटरी सिस्टम, ये सब जो गोरख धंधे खोल बैठे हैं, हम सब बंद करवा देंगे। ये महाराज तो मुझे ही बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है। हमारे ख्याल से अब इनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। बेशक बेशक। पंडित जी, महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी करें। महाराज सादर प्रणाम। हाँ, छोटे महाराज का राज्याभिषेक चल रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे अभी तो अनर्थ हो जाता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रेम जी, पापा महाराज क्या कह रहे थे? पापा महाराज कह रहे थे कि ये राज्याभिषेक रोक दो। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आप रॉयल फैमिली झिंगुरपुर के असली वंशज नहीं है। व्हाट? हाय दिया, व्हाट डू यू मीन असली वंशज नहीं है? हमें असली वंशज मिल चुका है। उस दिन जो मंदिर पे भिखारी बैठा था ना, वही है असली वंशज। और मेरे जो पीठ पे निशान है उसका क्या? वैसा ही निशान उस भिखारी की पीठ पर था। मैंने आपका निशान और भिखारी के पीठ पे का निशान दोनों की पिक्चर लेके महाराज को भेज दी, तो पता क्या चला कि आपकी पीठ पे जो निशान बना हुआ है वो नकली है। नकली? अरी मोरी मैया। क्योंकि झिंगुरपुर रियासत की काम वाली यानी कि आपकी मां जानबूझकर वो निशान आपकी पीठ पर बनाया ताकि आपको वो राजगद्दी पर बिठा सके, लेकिन उसकी ये चालाकी काम ना आई। ओह गॉड, योर मदर। बहरहाल अब ये ड्रामा बंद कीजिए, क्योंकि आप झिंगुरपुर रियासत के असली महाराज नहीं हैं। पंडित जी चलो यहां से, चलो तुम भी आओ यहां से। चलो भाई आओ, चलो चलो चलो, बगली नाटक खत्म, पैसा आ जाओ। चलो बाय बाय जी, अनीता जी बाय बाय।
दिया, दिया का है बुझ गया। हे प्रभु, कहीं कोनो अपशगुन तो नहीं होने वाला है? हाँ हाँ मीनल, पता नहीं विभु कहाँ है। आज तो लगता है बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। कहाँ आवारा गर्दी करता है, मैं तो इतनी परेशान हो गई उन्हें सामने। ओ गॉड, मीनल ग्लास टूट गया। अच्छा सुनना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। गॉड, ना मेरा फेवरेट ग्लास कैसे टूट गया। ये क्या किया आपने? I'm sorry. सारी गई घुइया के खेत में। डॉक्टर साहब, मैं बच तो जाऊंगा ना? अब भैया ये मैं कैसे बता सकता हूँ, भाई भगवान तो हूँ नहीं जो पहले से भविष्यवाणी कर दूं कि आपका ठीक होंगे। डॉक्टर हो यार, इतना आइडिया तो होगा ना यार। अंदाजे की बात करूँ तो भैया 80-20% चांस है। 80% क्या है? अब ये मत पूछिए भैया, वो क्या है ना कि मुझे बोलने में मजा आता है तो मैंने बोल दिया। बहुत बड़ी चिरान है यार ये। डॉक्टर साहब, टांग में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। भैया अब चोट जब टांग में लगी है तो आपके टांग में ही दर्द होगा ना, आपके फेफड़ों में तो दर्द होगा नहीं। फिर भी कोई दर्द की दवा तो होगी? दवा तो नहीं भैया, हाँ इस दर्द में एक मुझे शेर बहुत बढ़िया याद आ रहा है, आप कहें तो सुनाओ। नहीं नहीं, इरशाद इरशाद सुनाइए। इरशाद भैया, हाँ बिल्कुल ठीक बा। वो तो रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक पीठ में दर्द हुआ तो पीठ सीधी करने के लिए यहाँ लेट गए। ये भैया टाइप की बातें करती हो। विभु ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? हे भगवान, विभु तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? बेबी चोट बहुत गंभीर है, काश कि कोई नरम नरम हाथों से सहला देता तो दर्द कम हो जाता। भाभी जी ने कोई खास चोट वोट नहीं लगी है, वो तो हम ढाल बंद कर इनके सामने खड़े हो गए सो ये बच गए। ढाल देखिए, ये ढाल ढाल के शक्ल देखिए, जो एक्सरे में जो टूटा हुआ हाथ आया है वो हाथ किसका है, आपका है क्या? सॉरी विभू, तुमने अपना लेफ्ट हैंड क्यों तोड़ा? हाँ, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट योर लेफ्ट हैंड इज टू मी, यू नो दैट ना? देखिए देखिए लड्डू के भैया, हाँ आप कभी भी स्कूटर ध्यान से ना ही चलाते हैं, इसके लिए ही आप लिजर्ड हो गए। कोई लिजर्ड विजर्ड नहीं है, तो इंजर्ड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और देखिए आप कितनी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कारे बाल। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। खुश रख, खुश रख। हेलो मुटल्लो, माँ आंटी जी। प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो गोरी बिटिया। कारे बाल, का करवा के बैठ गया हाँ? कुछ नहीं अम्मा, बस एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। तो उसे कितनी बार कहे है कि स्कूटर ध्यान से चलाया कर, लेकिन तू है कि वो लुकिंग लंदन अटैकिंग टोकियो। अरे स्कूटर हम नहीं, भभूति जी चला रहे थे। तो जरूर पीछे से बैठ के उसका पीठ में उंगली फेराया होगा, तभी तो ध्यान भटका। तो गलती भभूति जी की भी तो हो सकती है ना? हाँ हाँ, काहे नहीं, गलती तो उसकी है, काहे की एक गलत आदमी के साथ जो बैठा रहा। असली पकड़ा है। बस सर आंटी जी, खैर छोड़ो, ये बता ज्यादा चोट उठ तो नहीं लगा हैं? अरे सिर्फ एक टांग ही तो टूटी है। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगा। बहुरिया तनी आओ, गोरी बिटिया तनी आ, तो बिटिया हमारे साथ आओ आओ। ओते भाभी।
अरे यार भाभी जी के आने का टाइम हो गया, लेकिन भाभी जी अभी तक नहीं आई। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आए भाभी जी हेलमेट में, भाभी जी का हेलमेट तो दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे स्कूटी का नहीं दिखा रही है बे। आ गई। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तिवारी जी। भाभी जी शायद आप आपको पता नहीं है आपने हेलमेट पहन रखा है। मुझे पता है मैंने हेलमेट पहना है। पता है? काहे भाभी जी, इस सुबह की शुद्ध ताजा हवा आपके कोमल शरीर और खूबसूरत चेहरे में कैसे घुस पाएंगी? हवा पहुंच रही है तिवारी जी, और अगर हवा नहीं पहुंचेगी ना तो मैं चेहरा यूं करके फ्लैप ऊपर करके हवा ले लूंगी। बहुत खूब भाभी जी। लेकिन ये बताइए कि आपने ये हेलमेट पहन काहे रखा है? उफ़, फिर वही बात। अब मैं अपने सर पर हेलमेट पहनूं या अपने सर पर मधुमक्खी का छत्ता उगा लूं? आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? नहीं 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 भाभी जी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। क्या है कि हम आपका चांद समुकड़ा देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए पूछा है जी। तिवारी जी आप फिर वही बात, आप समझ लीजिए कि मैं ना अपना मुंह दिखाने लायक ही नहीं ये क्या क्या कह रही है भाभी जी? ये कैसे हो सकता है? कैसे, ये किसने किया? कम से कम ये करने से पहले आपने हमें मतलब बबूती जी को तो बताया होता। अरे कितना मेलो ड्रामा करते हैं आप, कितना मेलो ड्रामा करते हैं। अरे पापा मेरे चेहरे पे मुहासे हो गए हैं, इसलिए मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने हेलमेट से ढक लिया है। हमें पता है भाभी जी, आपकी जवानी तो अभी भी पूरे रुआब पे है। तिवारी जी जी, आप ये ना समझे कि मैंने हेलमेट पहन रखा है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आपके होंठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं। और बाय द वे, आप इस हालत में यहाँ क्यों सैर कर रहे हैं? अभी जी क्या बताएं, बस चांद के दर्शन करने आए थे। चांद इस वक्त? हाँ भाभी जी, हमारा चांद तो इसी वक्त निकलता है। नहीं मतलब निकलता तो रात को है, लेकिन सुबह तक दिखाई देता रहता है। लेकिन आज हमें हमारे चांद के दर्शन ना हो पाए। ठीक है तिवारी जी, कोशिश करते रहिए, मैं चली। अरे भाभी जी, भाभी जी। भाभी जी। हाँ माँ जी। नहीं नहीं, आप ना बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, अभी तक किसी भी पराए मर्द को हम अपना चेहरा नहीं दिखाए हैं। और तो और का हुआ पता है, रात को ना हमरा लड्डू के भैया के साथ बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ, वो हमको पराए लगने लगे, तब भी हम अपना घूंघट खींच लिए थे। हाँ मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हमको लगता है कि प्रभुति जी आए हैं, पराए मर्द आ गए हैं, हम बाद में कॉल करते हैं। भाई भाई मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? मैंने कहा भाभी जी अभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हम आपको बोले हैं ना कि हमारा चेहरा जल गया है और बहुत बहुत बड़ा दाग आ गया है चेहरे पर। उफ, तेरे ये चांद हो जाने की इज्जत तौबा हमें चकोर बना देगी। क्या बोले भाभी जी? जो भी बोला दिल बोला। आप क्या बोले, हमको कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ चोर चोर बोले रहे शायद आप। भाभी जी चोर तो आप है, पता नहीं क्या चुरा के बैठी है हमारा। बोलते ना हमरी कुछ ना ही समझ आता है। अच्छा भरभूति जी, वो कहा है ना अभी हमको बहुत सारे घर के काम है, आप जाइए, अभी हमको बहुत काम करना है। भाभी जी मैं भी काम से आया हूँ, मैं आपके लिए ये आलू पीस के लाया हूँ। इसको मलाई में मिलाइए और अपने गालों पे लगाइए, आपको जो दाग है वो 9-11 हो जाएगा। सीरियसली कहा है ना भरभूति जी की हमको ये दाग बहुत अच्छा लग रहा है, इको हम ना ही हटाना चाहते हैं। What are you talking, भाभी जी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जले का दाग कोई ब्यूटी स्पॉट नहीं होता है भाभी जी। नहीं हमको अच्छा लग रहा है पर। हाँ भाभी जी प्लीज डोंट डू दिस, बचपना छोड़िए, लाई मैं लगा देता हूँ। हम आपको बोल रहे हैं ना हमको ना ही लगाना है, हम ठीक बा। भाभी जी अजीब बात कर रही हैं आप, पहली बार देख रहा हूँ कोई लवली अगली होना चाहती है। देखिए प्रभुति जी, देखिए हम आपको बार बार सेड्यूस कर रहे हैं, आप मानते काहे नहीं हैं? वो सेड्यूस नहीं, वो मिसयूज, आई मीन वो रिफ्यूज होता है। सही पकड़े हैं। Well, ठीक है भाभी जी, फिर मैं ये यहाँ रख के जा रहा हूँ।
दिल करे तो लगा लीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। चलता हूँ। बाय बाय। हाँ बाय बाय। गई का? चला गया भाभी जी। बहुत पक्की है भाभी जी भी। तिवारी जी। अरे भगवती जी। कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, एज यू कैन सी। साले कच्चे बनियान को अभी घर से बाहर निकलना था। सारा दिन मोहल्ले में मटर गस्ती करके चैन नहीं है साले को, अब भी घर से निकला हुआ है। मौसम काफी अच्छा है। कोई खास नहीं, उमस बढ़ गई है और हवा भी नहीं चल रही। देखिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रूम में जाइए, एसी ऑन कीजिए, सो जाइए। क्या नींद नहीं आ रही है क्या? लेकिन आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? एक्चुअली मैं हवा खाने आया था। अभी तो आपने कहा कि हवा नहीं चल रही। जब मैं आया था तो चल रही थी, फिर मैं खा गया ना। वैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपने खोखे पे चले जाइए, मतलब अपनी शॉप खोल लीजिए रात को 1 बजे। I mean, किसी की इमरजेंसी भी हो सकती है। इमरजेंसी? भगवती जी हमारा कच्चे बनियान का खोखा शॉप है, कोई मतलब अस्पताल नहीं खोल रखा कि रात को 1 बजे कोई आएगा और कहेगा भाई ए भाई हमारा भाई सीरियस है, उसका कच्चा फट गया है। You have a point. Yes, yes, yes. You have a point. हम तो इसलिए निकले ताकि थोड़ी बहुत थोड़ा कसरत वसरत कर ले। Really? You know, जिंदगी में पहली बार आपके मेरे ख्यालात मिल रहे हैं। We are on the same page for the first time. मतलब आप भी कसरत करने निकले? हाँ, मतलब कुछ खास करने का मौका नहीं मिल रहा था तो कसरत कर ले। चलिए बहुत अच्छा विचार है। एक काम कीजिए, आप हमारी उस दीवार के पास जाके कसरत कर लीजिए। वेरी फैंटास्टिक आइडिया। रियली? तो आप हम आपके घर की दीवार के पास जाके कसरत कर लेते। माइंड ब्लोइंग है ना। ओके चलिए, ये अच्छा विचार है। चलिए मेरे। इनको देख के लगता है कि कसरत करने के काबिल है। कसरत के काबिल तो हम भी नहीं है वैसे। चल भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा। भाभी जी सर प्लीज पलटिए ना, भाभी जी प्लीज पलटिए। आपके चेहरे पे सुल्फों का घेरा, ऐसा लगता है जैसे बैठा रखा है आपने पहरा। भाभी जी प्लीज पलटिए ना, एक बार शक्ल दिखा दीजिए, इस गरीब की लाइफ सेट हो जाएगी। भाभी जी प्लीज। ये गलत है। म्याऊ म्याऊ। किसकी आवाज निकालू, कुत्ते की निकालू क्या? औ औ औ औ औ औ औ औ औ।
म्याऊ म्याऊ वो 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 यार ये तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही है, कैसे जगाएं? देखा सक्सेना जी, क्या है कि हम एक बहुत ही प्यारी सी लत के शिकार हो गए हैं। लत समझते हैं ना आप? मुझसे पूछ रहे हैं भैया कि लत समझते हैं ना? अरे भैया, जो आप लोगों से दिन रात मैं थप्पड़ खाता हूँ, बिजली के झटके लेता हूँ, वो क्या है, हैं? नौकरी नहीं है मेरी, वो मेरी लत है। लत 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 लत। तो बस यूँ समझ लीजिए कि हम भी चाहते हैं कि हम उस प्यारी सी लत से छुटकारा पा जाएं। काश हमें भी आप जैसी सिर्फ लात और घूसे खाने की लत होती तो बात कुछ और होती। सिर्फ लात और घूसे, आई लाइक इट। सक्सेना जी कुछ कीजिए यार, यार कुछ कीजिए, हम इस लत से छुटकारा दिलवाइए यार, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ कीजिए हमसे, कुछ कीजिए भैया। अपनी लत आप बता क्यों नहीं देते मुझे? अरे नहीं बता सकते भाई। आई लाइक इट, कोई बात नहीं भैया, मत बताइए अपनी लत, मुझे मत बताइए आप। मैंने बड़े बड़ों की लतें छुड़वाई हैं, अगर आप मुझे अपनी लत नहीं बताएंगे तब भी मैं आपकी लत छुड़वाने की ताकत रखता हूँ भैया। यू जस्ट डोंट वरी, आप यहीं बैठिए, मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आपकी लत को छुड़वाने का सामान लेकर आता हूँ। सच? मुच। लेकिन भैया एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है भैया कि जब आपकी लत छूट जाए उसके बाद आप मुझे कूटेंगे, सूतेंगे, मुझे दौड़ा दौड़ा कर मेरी चमड़ी उधड़ जाए इस ढंग से मारेंगे। मंजूर है? मंजूर है, ग्रेट। तो आप यहीं पे मेरा इंतजार कीजिए, आराम से बैठिए, मैं अभी आता हूँ। आई विल बी राइट बैक। ठीक, ओके। जाइए फिर। सम एडवांस भैया। हो बोनस, आई लाइक इट। भाभी जी, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। I'm dying। ऐसी ऐसी बातें काहे करते हैं, का होगा अनीता जी का फिर? भाभी जी, अब मेरा जाना अटल है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है भाभी जी, बस वो पूरी कर दीजिए। हम समझ गए, आप रुकिए, अभी हम घुइयां के पराठे लाते हैं। भाभी, घुइयां के पराठे खाना मेरी आखिरी इच्छा नहीं है, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं जाने से पहले एक बार आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ, जस्ट वंस। इका मांग लिए बरबूती जी आप, अब हम का करेंगे? भाभी जी, अगर आपने आपने इस मरते हुए की इच्छा पूरी नहीं की ना, तो आप अपने आप को कभी जिंदगी में कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। आप ही का कर रहे बरबूती जी, हमको का इतना गुटली फील करवा रहे हैं? भाभी जी, गुटली तो आम की होती है, आप गिल्टी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, आप का ऐसा कर रहे हैं? भाभी जी, अब मेरे पास कुछ ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अच्छा, बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपको अब दिखाते हैं अपना शकल। हे भगवान, हमको का धर्म संकट में डाल दिए है, हम खोल रहे अपना घूंघट। अंकल, मैं टॉय चाकू की लेके, ये तो खिलौने वाली है, मुझे घर घर खेलना है। ऐसा आज के बाद ऐसा हरकत मत करना, मैं पापा को बोल दूंगा।
भाभी जी चलो। आइए आइए आइए, भोला लस्सी भंडार की मीठी जायकेदार खुशबूदार लस्सी पी लो, जिंदगी जी लो। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए आइए, जायकेदार मजेदार लस्सी पी लो। आइए आइए लस्सी लस्सी पिताश्री, मुझे लस्सी पीनी है। जरूर बेटा, क्यों नहीं। अरे लौंडो, मेरा बेटा संस्कार को लस्सी पिलाओ।